हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हम पूरे फैक्ट एनालिसिस के बुक को खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब आप लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीरीज का स्टार्टिंग किए हैं। ठीक है, आज इनफाइनाइट सीरीज के कुछ पहले वाले चैप्टर का हम क्या करेंगे, बेसिक बता देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका चैप्टर इसको पूरे बेसिक को तोड़ देंगे, क्या थ्योरम पढ़ना है, पहले बेसिक क्या है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। फर्स्ट पार्ट का चैप्टर है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी। इसके पहले हम पहले वाले वीडियो में सिलेबस पूरा डाल चुके हैं आप लोग, बट सिलेबस को देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस के ही मेथड से हम सीरियली वाइज चैप्टर को और बुक को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले वाले सिलेबस में क्या वेक्टर को लिए हुए थे, तो हम वेक्टर को सुधार चुके हैं। ठीक है, अब सेकेंड वे है इनफाइनाइट सीरीज और उसका फर्स्ट चैप्टर है कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज। ठीक है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका जो थ्योरम है थ्योरम बता देंगे, और इसके बाद इसको सीरीज सीरीज क्या होता है, चाहे कन्वर्जेंसी क्या होता है, डाइवर्जेंसी क्या होता है, इसको विश्लेषण से समझाकर उस पर एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, और सीक्वेंस भी बता देंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस, इस सबको क्या करेंगे, लाइन से बता देंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस आ गया आपको। ठीक है, इसका डिफिनेशन आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को पहले कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी के बारे में पहले बता देते हैं। इसके अंदर में कितने टाइप पढ़ना, जैसे टेस्ट होता है, इसमें मान लेते हैं पी टेस्ट, कॉम्प्रिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, उसी रूप टेस्ट, जैसे ही सब टेस्ट हुए, इसके माध्यम से क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आज हम क्या करते हैं, इसका बेसिक बता देते हैं, उसके बाद जो टाइम मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, थ्योरम भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को फर्स्ट नंबर चैप्टर आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का। इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज आप लोग का आज स्टार्ट होता है। ठीक है, आज डेट हो गया 8/4/2023। ठीक है, आज आप लोग का इनफाइनाइट सीरीज स्टार्टिंग कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर चैप्टर का नाम है आपका कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी। ठीक है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज। ठीक है, अब क्या होगा, सीरीज हो गया। ठीक है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ द सीरीज। ठीक है, आप लोग का ध्यान से बता रहे हैं कि कन्वर्जेंसी क्या होता है एंड डाइवर्जेंसी क्या होता है। सबसे पहले तो सीरीज समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सीरीज समझा देते हैं कि हाँ सीरीज क्या होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत में पहले बता देते हैं कि हाँ कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी के अंतर्गत में आपको कितना टेस्ट पढ़ना है। ठीक है, कितना टेस्ट को पढ़ना है, जैसे में देख लीजिए, इसके अंतर्गत में आपको क्या करना है, एक नंबर टेस्ट में देखिए, पहले सबसे पहले आपको पी टेस्ट पढ़ना है, पी टेस्ट सीरीज पढ़ना है। ठीक है, पी टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, फर्स्ट वाले चैप्टर के लिए तो पी टेस्ट और कंप्लीशन टेस्ट अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले वाले टेस्ट में क्या करेंगे, पी टेस्ट को पढ़ेंगे और सेकंड वाले में आपको कंप्लीशन टेस्ट। ठीक है, सेकंड नंबर क्या हो गया आपका, कंप्लीशन टेस्ट हो गया। ठीक है, कंप्लीशन टेस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड नंबर में आपका टेस्ट क्या है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, क्या डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आता है। ठीक है, रेशियो टेस्ट हो गया। और फोर्थ नंबर में आपको कुशीस टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर जो आपका है कुशीस है। ठीक है, कुशीस पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इसको मिटाते हैं, आप लोग को सबसे पहले क्या करते हैं, सीरीज बताते हैं कि सीरीज क्या होता है, सीरीज को डिनोटेट कैसे किए जाते हैं, आप लोग पहले जाके इतना बेसिक करके बता देंगे, सीरीज पर एग्जांपल दे देंगे, तब फाइनाइट है ना, तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज को क्या करेंगे, हम लोग बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब क्या करते हैं, आप लोग पहले सीरीज समझते हैं। ठीक है, सीरीज क्या देते हैं, सीरीज, क्या है सीरीज,
ठीक है, सीरीज हम लोग बताते हैं कि सीरीज में, तो सीरीज में सबसे पहले समझ लीजिए सीरीज में क्या आ जाएगा। सीरीज के लिए सबसे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, इफ क्या लिख सकते हैं, देन प्लस क्या जाएगा, यू थ्री प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक जाएगा, इवन तक जाएगा, ये भी कहाँ तक जाएगा, इवन तक। तो इज कॉल्ड सीरीज एंड इज डिनोटेड बाय इसको या तो हम समेशन के तौर पर डिनोटेड कर सकते हैं, चाहे बट समेशन का भी तौर पर क्या करते हैं हम डिनोटेड कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूवेन ऐसे समेशन के तौर पर हम क्या करेंगे, सीरीज को डिनोटेड कर देंगे, चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं समेशन ऑफ यूवेन, ठीक है। कहीं पर अगर दिया हो कि समेशन इन्फिनिटी, मतलब वन से लेकर इन्फिनिटी तक दिया हो, चाहे ऐसे भी दिया हो कि समेशन यूवेन, तो समझिएगा कि वन से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब क्या कहेंगे, सीरीज में कोई भी मान दिया हो तो हम समेशन एन बराबर वन एन टू इन्फिनिटी से वन से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करते हैं, किसी भी समेशन को क्या करते हैं, उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का जैसे मैं कहीं पर आपको एग्जाम्पल एक बताते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मैं दिया आप समेशन ऑफ इवेंट दिया, तो समेशन ऑफ इवेंट का आप मान जानते हैं, बताया समेशन ऑफ इवेंट बराबर क्या रहेगा, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर प्लस, इसी तरह सॉर्ट देता है। समेशन के मतलब कि जो सीरीज दिया उस सीरीज का कॉमन देता है मान, सीरीज का क्या देता है, कॉमन मान देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या देगा, समेशन ऑफ इन्फिनिटी एन बराबर वन क्या हो जाएगा मेरा, टू एन माइनस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू एन माइनस वन। तो इसको देखिए, अब हमको क्या करना है, जैसे मैं हम यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर डॉट डॉट डॉट, क्या होगा, बार बार जब टर्म रिपीट हो रहा था क्या, एन टर्म तक जा रहा था, ठीक है, एन टर्म तक जा रहा था, तो हम लोग क्या लिखे हैं वहाँ पे एन लिखे हैं, ठीक है। उसी तरह क्या करना है कि टू एन माइनस वन, इसको क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टू प्लस, सॉरी क्या जाएगा मेरा, इसी तरह आपका टू एन माइनस वन। अब आप कहिएगा कि हाँ इसका कॉमन मान तो इसका इवन है, तो इसका कॉमन मान टू एन माइनस वन किस, इसका देखिए सबसे आप लोग पिछले वाले टी एन प्लस एन माइनस वन टी वन ऑफ वन पढ़े, ठीक है, पढ़े पहले का टर्म क्या है वन है, प्लस एन माइनस वन आपका रह जाएगा इंटू डी में से टी टू में से टी वन घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वन माइनस टू एन माइनस वन बल टू एन माइनस टू यहाँ पे, ठीक है, टू एन माइनस टू। अब देखिए टू एन बड़ा अक्षर क्या है माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा टू एन माइनस वन। तो यही तो कॉमन मान, मतलब किसी भी सीरीज का कॉमन मान, समेशन के बाद क्या होता है किसी भी सीरीज का कॉमन मान होता है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, टू एन माइनस वन लिखते इसका मतलब क्या हम जाते हैं कि वन प्लस टू प्लस थ्री वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन, मतलब यही वो कॉमन मान, ठीक है। अब इसी तरह आपको कहीं पर दे दिया हो जैसे मैं वन टू एक मिनट आते हैं, चलो बेटा एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल अगर समेशन के कॉमन का मान देखिए, एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे देखिए वन सो जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव डॉट 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 क्या जाएगा, एन टर्म तक मेरा जाएगा। तो समेशन क्या मतलब क्या है, तो समेशन इन्फिनिटी और एन बराबर वन, ठीक है। समेशन का मतलब कि इसका टी एन सीरीज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टी एन सीरीज मेरा क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। इसका टी एन सीरीज क्या आ जाएगा मेरा, एन हो जाएगा। तो यही मतलब सीरीज को बताया है कि सीरीज क्या आता है, इफ इवन कमा यू टू कमा यू थ्री डॉटर इवन तक इज ए सीक्वेंस दैट इवन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर डॉटर इवन तक इज कॉल्ड सीरीज एंड द डिनोटेड बाय द समेशन, मतलब एन एन बराबर वन से लेकर इन्फिनिटी तक क्या करते हैं सीरीज को डिनोटेड करते हैं, ठीक है। अब चलिए आप लोग को बताते हैं सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल्स सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सम ऑफ द सीरीज में क्या क्या आपको बता देते हैं, ठीक है, इसके बाद दूसरा कुछ बताएंगे, ठीक है। चलिए अब चाहे एक और देख लेते हैं, यानी फाइनाइट एन क्या कहते हैं हम लोग कि जो सीरीज में, एक और उदाहरण आपको देते हैं, जैसे मैं इन्फिनिटी का मान, इसमें एग्जाम्पल एक और देते हैं,
कहीं भी अगर क्वेश्चन में देते हैं समेशन 100 मान लेते हैं, ठीक है 100 और n बराबर क्या कहता है 1 कहता है, 100 और n बराबर मेरा क्या कह रहा है 1 कह रहा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा यूवीएन हो गया। मान लेते हैं आपने मान क्या दे दिया मेरा यूवीएन दे दिया, ऐसे ही कर लेते हैं। आपको क्या लिखना है 1 से लेकर 100 तक ही मान लिखना है, क्या लिखना है 1 से लेकर मेरा 100 तक ही मान को लिखना है। तो क्या हो जाएगा समेशन n बराबर 1 इनटू 100 हो जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा जितना अंक दिया हो उतना तक हम इसको ले जा सकते हैं। इसको मिटाते हैं, हम क्या करते हैं वो समझाते हैं आपको। अब चलिए आपको समझाते हैं। अब एक नंबर और टॉपिक आ गया आपका, एक टॉपिक और नाम है इसमें दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स, पार्टिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल, सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल्स सम ऑफ सीक्वेंस। सम ऑफ सीरीज, ठीक है ये आपका एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या फॉर्मूला आप लोगों को फाइंड करना है, इसमें एक फॉर्मूला फाइंड करना होगा Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे Sn इवन इक्वल टू सॉरी इवन इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है Sn अब माइनस फिर क्या हो जाएगा Sn माइनस 1 मतलब S के एंगल में क्या हो जाएगा Sn माइनस 1 को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है सॉल्यूशन के लिए, ठीक है हमको क्या प्रूफ देखना है कि सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है सम ऑफ द सीरीज को देखना है। तो इसमें क्या है समेशन ऑफ इवन इक्वल यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा मेरा इवन तक हो जाएगा। इस टॉपिक क्या हो जाएगा मेरा इवन तक हो जाएगा, इवन ए फाइनाइट सीरीज, क्या हो जाएगा इवन ए फाइनाइट सीरीज, ठीक है इसमें क्या लिखना सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल सम ऑफ द सीरीज, ठीक है सम ऑफ द सीरीज। लेट लेट क्या हो जाएगा लेट Sn इक्वल टू क्या करते हैं यूवीएन माने हुए थे, यहाँ पे क्या करना है हम क्या करना है यूवीएन इक्वल टू Sn मानना है, क्या हो जाएगा यूवीएन इक्वल टू Sn तो मानना होगा। तो यूवीएन इक्वल Sn इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस क्या आ जाएगा डॉट 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 मेरा कहाँ तक जाएगा डॉट 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 मेरा यूवीएन तक, क्या जाएगा ये मतलब क्या माने इसको Sn माने हैं। Sn इसलिए माने हैं कि हमको सीक्वेंस है सीक्वेंस को शॉर्ट जो डिनोटेड सीक्वेंस ऑफ द पार्टिकल सम ऑफ द सीरीज, हमको सम ऑफ सीरीज मतलब सीरीज तक क्या करना है इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ द सीरीज हो गया, और देखिए बी द nth टर्म, बी द nth टर्म ऑफ सीरीज, ऑफ सीरीज बी ऑफ द nth टर्म ऑफ क्या आ जाएगा मेरा सीरीज, ठीक है। अब देन में देखिए देन अब सीक्वेंस आ गया मेरा, सीक्वेंस में क्या करते हैं हमको Sn से डिनोटेट करते हैं, सीक्वेंस है तो हम क्या लिखेंगे Sn लिखेंगे, Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस, Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस, Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स सम ऑफ सीरीज, ठीक है पार्टिकल्स सम ऑफ सीरीज, पार्टिकल सम ऑफ द सीरीज, पार्टिकल सम ऑफ सीरीज समेशन ऑफ यूवीएन, क्या है समेशन ऑफ यूवीएन। अब वेयर में हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे वेयर में, तो एस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा यू वन, एस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा यू टू, और एस थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा U3। क्या करना है पहले दिया हुआ था कि समेशन ऑफ यू इक्वल टू इतना इतना मानना था, अब क्या हो जाएगा इसी टर्म को हम क्या करेंगे डॉट 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 क्या करेंगे Sn अगर बराबर निकालते हैं ऐसे डॉट डॉट टर्म तक निकालेंगे Sn बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा मेरा Un तक, यही तो मानना था। देखिए लेट हम क्या करेंगे समेशन ऑफ Un इक्वल टू Un प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट Un तक या फाइनाइट सीरीज, ठीक है फाइनाइट सीरीज
लेट, आपको क्या लेट मानना है, u1 इक्वल टू sn मानना है, ठीक है। तो u1 sn इक्वल को क्या कर देंगे, u1 plus u2, u1 इक्वल टू को sn मान लेते हैं, u1 के जगह पर क्या आ जाएगा sn हो जाएगा, तो u1 plus u2 plus u3 dot all event of the be the nth term of the series, then sn is called sequence of the particles sum of the series summation of u1, ठीक है, summation of u1, तो where अब s1 इक्वल टू u1 हो जाएगा, s2 इक्वल टू u2 हो जाएगा, s3 इक्वल टू u3 हो जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, sn तक जाएगा, ठीक है। तो sn इक्वल टू क्या जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, आपका un तक जाएगा, ठीक है, आपका un तक जाएगा। अब इसके बाद आगे लिखिए, और इसमें क्या आ जाएगा, आप देखिए पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव सीरीज में है, देखिए समेशन ऑफ यूवेन, देखिए समेशन ऑफ यूवेन इज ए सीरीज, समेशन ऑफ यूवेन इज ए सीरीज, सीरीज ऑफ ऑफ पॉजिटिव सीरीज, पॉजिटिव सीरीज देन, पॉजिटिव सीरीज क्या आ जाएगा, देन में क्या आ जाएगा आपका, देन s1 less than s2 less than s3, मतलब बढ़ते जा रहा है, s1 से बड़ा s2 है, s2 से बड़ा s3 है, s3 से बड़ा s4, डॉट 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 कहां तक जाएगा, या sn तक जाएगा, क्योंकि बढ़ते जा रहा है, तो less than क्या हो रहा है, s1 से बड़ा s2 है, s2 से बड़ा s3 है, डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये sn, sn तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी टर्म क्या होता है बार बार इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है कोई टर्म क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीज, sn इज ए क्या हो जाएगा मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीज, मतलब क्या हो रहा है टर्म क्या हो रहा है आगे की ओर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है टर्म इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा समझ यू मीनिंग इंक्रीजिंग, शॉर्ट में क्या लिखते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, शॉर्ट में ये मैं, ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है सीक्वेंस। अब अगेन में देखिए, अगेन चूंकि अगेन में क्या जाएगा मेरा, चूंकि sn इक्वल टू क्या लिखें, sn इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये इवन टर्म तक जाएगा, ठीक है, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 कहां तक जाएगा इवन टर्म, एंड 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 क्या हो जाएगा sn माइनस वन, sn माइनस वन तक जाएगा, तो ये क्या हो रहा है sn, मान देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, समेशन ऑफ un इज ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म, देन पॉजिटिव टर्म क्या होता है जब s1 less than s2 s3, मतलब मान लेते हैं कि जैसे कोई टर्म है 1 2 3 4 क्या हो रहा है आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है, यही टर्म अगर आता है कि जैसे मैं s1 greater than s2 greater than s3 तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज वो घट रहा है, ठीक है, मतलब छोटा से मतलब पहले 12 से पहले क्या हो रहा है, पहले 12 से वो छोटा की ओर आ रहा है, इसमें क्या है कि छोटा से 12 की ओर जा रहा है, मतलब s1 s2 s3 क्या हो रहा है बार बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहते हैं, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग को एमआई से भी सूचित डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे, sn इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, हम लोग क्या डिनोटेड किए हैं एमआई से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा सीक्वेंस, अगेन चूंकि मैं क्या दिया हुआ है हमको प्रूफ करना है कि un इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है, वो हमारा थी फार्मूला फिर, अगेन में क्या हो जाएगा हमारा sn इक्वल टू तो हमारा इतना आ गया u1 plus u2 plus dot 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 इवन तक, अब sn माइनस 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 कहां तक जाएगा un माइनस 1 तक ही जाएगा, un माइनस 1 तक ही जाएगा। अब क्या करेंगे हमको इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं थर्ड मान लीजिए, अब इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा un इक्वल टू sn माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, आप देखिए इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो मेरा क्या आ जाएगा sn माइनस क्या आ जाएगा sn माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा even, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही इसमें दर्शाना था कि सीरीज ऑफ द पार्टिकल्स सम ऑफ द सीरीज, तो सम ऑफ द सीरीज को किससे डिनोटेट करते हैं, इवन से, इवन इक्वल टू मेरा कितना आ गया sn माइनस
एस एन माइनस वन हमको क्या करना था, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब आगे वाले में हमको बताएंगे आप लोग के कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, इसको पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉरी इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी को अच्छा से पहले इसका क्या करेंगे, कुछ लैंग्वेज है कुछ लैंग्वेज लिखवा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे इसको एग्जाम्पल देंगे तो आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका कन्वर्जेंसी। कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज, इसको क्या करेंगे पहले इसको लाइन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, इसमें अधिक से अधिक इसमें लैंग्वेज है बट इसको बता रहे हैं लाइन से। सबसे पहले समझिए कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, कोई भी मान कन्वर्जन तभी होगा जो वन से बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी मान कन्वर्जन तभी होगा जब वन से क्या होगा, बड़ा होगा। डाइवर्जन तब होगा कि वह जीरो मतलब वन से छोटा, मतलब वन से छोटा क्या जीरो में आएगा। ठीक है, अगर वन कोई किस मतलब कहे ना किसी भी मान के समेशन का मान क्या आ जाए आपको वन आ जाए तो वह क्वेश्चन कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी क्या होगा, दोनों होगा। इसलिए दोनों होगा कि वन पे क्या होता है कोई भी टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, वन पे क्या होता है कोई भी टेस्ट फेल हो जाता है। जब भी कोई टेस्ट फेल होगा तो आपको पिछले वाले पे बताया कि प्री टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट एवं कुशी सूज टेस्ट, ये तीनों में से कोई टेस्ट केवल निकाल लगाकर अब क्या करेंगे फिर मेरा मान आ जाएगा। जब कब, जब मेरा मान वन आए तब, वन आने के बाद कोई भी थ्योरम ये सेटिस्फाई नहीं करता है कि मतलब वह कन्वर्जेंट है एवं डाइवर्जेंट है। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट समझ जाइए कि कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंट का मान क्या होता है, वन से बड़ा होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मतलब इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, और क्या होगा डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा वन से छोटा मतलब जीरो, और जो निगेटिव में जिसका मान निगेटिव में चल जाएगा वो ऑसिलेटरी सिक्वेंस में चल जाएगा। ठीक है, वह ऑसिलेटरी सिक्वेंस में चल जाएगा। तो देख लीजिए पहले लिखिए इसका कुछ लैंग्वेज, लेट 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 इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ इवेन इज, समेशन ऑफ इवेन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट कन्वर्जेंसी को सीजीटी से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंसी को सीजीटी से क्या करते हैं डिफाइन करते हैं। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ ए सीरीज इज ए यूनिक, ठीक है, इज क्या हो गया यूनिक हो गया। ठीक है, एंड इज ए यूनिक। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए एज ए यूनिक द सम ऑफ सीरीज इनफाइनाइट टर्म ऑफ इन्फिनिटी तक, मतलब दिया हुआ है कि समेशन, जैसे मैं कहीं भी एग्जाम्पल में तौर पर एग्जाम्पल समेशन n बराबर 1 और इन्फिनिटी इवन, कहने का मतलब है कि समेशन इवन का मान 1 से लेके इन्फिनिटी तक ही जा सकती है। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ सीरीज में यही दर्शाया है कि इनफाइनाइट सीरीज सम समेशन ऑफ इवन सेड टू बी द कन्वर्जेंसी एंड सीजीटी इज सम ऑफ द इनफाइनाइट ऑफ ए सीरीज इज यूनिक द सम ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म ऑफ द समेशन, मतलब कहने का मतलब है कि यहां पे इनफिनिटी तक ही इसका मान रख सकते हैं। तो इसको डिनोटेट करने के लिए हम लोग समेशन ऑफ इवन से भी क्या करेंगे इसको डिनोटेट कर देंगे। ठीक है, कहीं पे अगर क्वेश्चन में दिया हो n n बराबर 1 और इनफिनिटी, मतलब कहने का मतलब है इसको एक तरह से और फाइंड आउट कर लेंगे 1, 2, 3, 5 इस क्वेश्चन में आप लोग को 1, 2, 3, 5 इस तरह दिया होगा और शॉर्ट किसी भी मान को शॉर्ट जब समेशन लगाया जाता है तो किसी भी सीरीज का कॉमन मान लिखते हैं।
जैसे समेशन ऑफ इवन हो गया, इसका अगर हम tn से निकालेंगे इसी के समेशन ऑफ इवन इसी के लिए माना गया। जैसे मैं एक एग्जांपल में एक और इन्फिनिटी से n बराबर 1 अगर कहीं पे 2n माइनस 1 लिखा इसमें हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। इसका tn निकाल के देख लीजिए tn का फर्स्ट क्या होता है n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखिए 1 का मान 1 है प्लस टी टू माइनस टी वन क्या आ जाएगा एन माइनस वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, इसको आगे बढ़ाइए 1 प्लस 2n माइनस 2 क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो वही तो कहा ना कि समेशन किसी भी सीरीज का कॉमन मान दिखता है, तो वही इसका एग्जांपल दो दे दिए बस। इसके बाद अगले वाले जो टॉपिक है वो अगले नंबर नेक्स्ट में बताएंगे।